किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं स्टीयर अवे। शुरुआत, एक नई चीज की शुरुआत कर रहा हूं आज से। कैप्शन पढ़ के आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले मैंने सोचा था कि सोलो कार कैंपिंग करूंगा आज शुरुआत, लेकिन एक सेफ्टी और एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक फ्रेंड को साथ में ले रहा हूं। सो इट विल बी अ डुएट कार कैंपिंग। तो जस्ट घर से निकले हैं, देखिए पूरे कैंपिंग गेयर्स, कुछ दिमाग से जितना मैं सोच सका और जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, जिनको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, जैसे द फर्स्ट इंडियन कैंपर, उसके बाद लाइफ टू एक्सप्लोर, उसके बाद राइडिंग विद पीस, सैम भाई को मैं फॉलो करता हूँ, तो उन सब का ऑफकोर्स एक नेक्स्ट लेवल का है। सो मैं उसके एकदम बेस लेवल से आज शुरुआत कर रहा हूँ और उसी के हिसाब से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कैंपिंग के लिए वो मैंने फिलहाल ले ली है, ऐसा मुझे लगता है। सो देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और कैंपिंग के लिए मैं और मेरा फ्रेंड, अभी जिसकी मैं राह देख रहा हूँ, हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ तो पुणे से कुछ 80-90 किलोमीटर एक ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, तो उससे पहले एक कैंपिंग साइट हमने आइडेंटिफाई की है जहां हम जा रहे हैं। आसपास 3-3.5 घंटे का सफर रहेगा और देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। मिलाते हैं आपको अपने फ्रेंड से और फिर शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की। तो इन्हें शायद आपने पहले भी देखा हुआ है, हमने पहले द्वारका ट्रिप साथ में की है। यस आशीष भाई, स्वागत है आशीष भाई आपका। और ट्रिप की शुरुआत आशीष भाई के घर से हो चुकी है ऑलरेडी, देखते हैं आज कैसा होगा। हाउ आर यू आशीष, एक्साइटेड? वेल ऑल गुड, लेट्स सी। पहला एक्सपीरियंस है कुछ नया जो कि इंडिया में ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, right. तो देखते हैं। घोड़ेगांव पार किया है। सरप्राइजिंगली जैसे आशीष बोल रहे हो, रास्ते की हालत बहुत अच्छी है, मच 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 बेटर। यस, मेरे लास्ट ट्रिप भीमाशंकर की याद आती है कि रास्ता एकदम ही खराब था, बट नाउ इम्प्रूव्ड अ लॉट। मे भी आगे का शायद लास्ट का 15-20 किलोमीटर का पैच शायद फिर भी खराब हो। Thank you.
और एक पैकेट दूध का। यस, आज शाम के लिए रहेगा लेकिन कल सुबह नहीं रहेगा, कोशिश करेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं आप भीमाशंकर अभयारण्य का ये पार्ट है और यहाँ पे अब हम देखिए पूरा डे एकदम डेंस फॉरेस्ट के अंदर एंटर। अच्छे सर बिल्ली जा रहे और आगे आप देखिए एक टाइगर ने हमको क्रॉस किया। ये देखिए मंकी है, सॉरी गलती हो गई, हमने उसको टाइगर समझ दिया। ये है वो देवराई अभिषेक जहाँ हम छोटा सा वर्ड ले सकते हैं। ये अहूपे गाँव गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अहूपे गांव में। आप देख सकते हो पूरा बैकग्राउंड फुल क्लाउडी, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। और अब हम पहुंच रहे कोंकण कड़ा पॉइंट के ऊपर। गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह देखी गई है। चाय बना रहे हैं, आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी एक पॉट रख दिया चाय के लिए। मिस्टर अभिषेक ने कटलरी का सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। मेरे ख्याल से पानी आपको और लेना पड़ेगा मिस्टर अभिषेक। दूध अपने पत्ती और डालो, थोड़ी स्ट्रांग बनाना चाय। चाय की क्वांटिटी ज्यादा होना मांगता है, तभी तो चाय पीने में मजा आता है। और पानी शक्कर कितनी सर जी? एक चम्मच एक कप में, नॉट मोर देन दैट। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी चाय का प्रिपरेशन और हमने अपने लिए यूज करने का पानी अलग से लाया है।
साथ में पीने का पानी का भी काफी अच्छा कलेक्शन है। पूरी तरह से बन चुकी है और मेरी आदत है कि भाई चाय पीना है तो क्वांटिटी में पियो, नहीं तो मत पियो। तो सी मेरे लिए पूरी एक ग्लास एकदम फुल शॉट वाला ग्लास और अभिषेक भाई सब सिर्फ टेस्ट करते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा पिद्दू सा प्याला। और हमारी चाय पूरी तरह से बन के तैयार है। चाय के साथ हमने अरेंजमेंट किया है बिस्किट्स एंड खारी का। फोटोग्राफी दोस्त में आले गप्पर रंगले छान आणि दिस इज आवर फर्स्ट टी ऑफ आवर फर्स्ट कैंपिंग डुएट कैंपिंग। आशीष भाई अपना फुल ग्लास सो चीयर्स। चीयर्स चेतन भाऊ। बहुत अच्छा मूड है गाइज यहाँ पर, अभी एकदम ठंडा मौसम हो गया और सो दिस इज व्हाट हमारे चाय का व्यू। हाँ हाँ आशीष भाई और पास चले गए व्यू के। आशीष परफेक्ट बैठे हो आप, बस वो पेट जरा ज्यादा लग रहा है। उसका भी एडजस्टमेंट हो गया। सो गाइज मेस्मराइजिंग व्यू एंड चाय, मेरे हाथ की पहली बनी हुई चाय ये देखिए। पुणे से हम लोग निकले थे आसपास 12 बजे और हमको आसपास 4 आवर्स लग गए यहां तक आने के लिए। रोड बहुत अच्छा है, बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत अच्छा रोड मिला और दैट इज वन पॉजिटिव थिंग कि हम 4 घंटे में आ सके। अदरवाइज अगर रोड खराब होता तो हमें और टाइम लग जाता। सो यहां हमने पार्क की हमारी कैंपर वैन जो आपको आशीष भाई ने जस्ट दिखाया और चाय खत्म करते हैं फिर आगे की तैयारियां शुरू हो जाएंगी हमारी। आज के हमारे शेफ आशीष जी देखिए वो चावल की तैयारियां बढ़िया तरीके से। ये गाड़ी के अंदर का ही है ना भाई। तो आज बनेगा गाइस मसाला राइस और कढ़ी जिसके लिए दही हम लोगों ने ले रखा है। इसको पीटना पड़ेगा इस पर हमारे हाथ के शेफ मिस्टर आशीष जी। शेफ आशीष जी से टिप्स लेते हुए हम काम कर रहे जा रहे हैं। ये तो मेरे घर पर पड़ा है। पानी और नहीं है? पानी काफी है अब उसमें उससे ज्यादा भर भी नहीं पाएंगे अभिषेक पानी। ये चल गया अपना इसका काम। उसमें दो तीन चीजें करनी है। कम एच मीडियम पे रखो ना। मीडियम पे एकदम मीडियम कुछ डालना है तो डाल दें। हाँ सही बात है। ओह सो ये आ गए अपने गरम मसाले। नहीं खड़ा मसाला। खड़ा मसाला ये राइस को टेस्ट देगा। राइट राइट तो शेफ आशीष जी आप कब शुरू कर रहे हैं आपका रेस्टोरेंट? मेरा रेस्टोरेंट चालू हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ जो जो लोग आना चाहें। बेसिकली इसमें डाली जा रही है काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, कलमी और इस फूल का नाम मुझे भी नहीं पता बट दैट इज द माय फेवरेट फूल। हाँ, फूल, 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 फूल।
काय का फूल है वो पता नहीं, बट एक्चुअल टेस्ट तो भाई वही लाता है खाने में। तो कुछ ऐसी है गाइज हमारी प्रिपरेशन, ये देखिए आप ये देख रहे हैं कटे हुए प्याज और सब चीजें, और ये अभी हमारा फिलहाल चावल जो और मिस्टर अभिषेक नाइट कैंप फायर की तैयारी करते हुए लकड़ियां जमा हो रही है। हमारा खाना तो तैयार है, कड़ी और मसाले भात विद तड़का, चाय नाश्ता हो चुका है, खाना बन चुका है और अब पूरी तरह से हम कैंप फायर लगाएंगे आराम से। और आप देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, सूर्य देवता जी अपने सनसेट हो चुका है पूरी तरह से। ये है जगह जहां हम आज अपना डिनर करने वाले हैं और डिनर के बाद होगा हल्का सा कैंप फायर जिसकी लकड़ियों का अरेंजमेंट हो चुका है। और हमारे कैंप फायर के लिए जो जगह है ये एक परफेक्ट स्पॉट है, छोटा सा गड्ढा। यस, यहाँ हम एक हल्का सा कैंप फायर करेंगे इस गड्ढे में ताकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए। और आप देख सकते हैं चारों तरफ हवा काफी ठंडी बह रही है और ये है हमारा पूरा अरेंजमेंट यहाँ का। नाइट स्लीपिंग के लिए गाड़ी के अंदर व्यवस्था है, लेकिन हमारा पूरा प्लान है कि हम इस छतरी के अंदर सोएंगे। उसके लिए बनाई नहीं है ना, ये व्यू पॉइंट के लिए बनाई है। बहुत सही है, लेकिन आराम से बैठो, टेंशन फ्री। एक्चुअली गप्पे मारने के लिए एकदम सही स्पॉट है, सही स्पॉट है, आराम से रात भर यहाँ गप्पे मार सकते बैठ के। बहुत इजीली सब कुछ हो गया, देखिए कैंपरमैन पीछे है, खाना बन चुका है। अब बजे हैं शाम के 7:30, फिर भी थोड़ी बहुत लाइट है, 7:23 हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो 7:23 हुआ है, फिर भी लाइट है। नॉर्मली अगर हम देखें तो पूना में इस टाइम में तो पूरा अंधेरा हो ही जाता है, क्यों आशीष? यस, सो लोगों को छोड़ के वी लिव इन हिल स्टेशन, यू लिव इन हिल स्टेशन सो यू स्टिल गेट इट। सो नॉर्मली 7:30 बजे तक तो हमने अंधेरा ही देखा है, फिर भी अभी भी लाइट है, आप देख सकते हो मैं शूट कर पा रहा हूँ, आशीष भी ठीक से दिख रहा है, मैं भी ठीक से दिख रहा हूँ। सो और आसपास का नजारा गाइज, मेरे पीछे आपको जितना दिख पा रहा है आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, लेकिन मेस्मराइजिंग है आगे पीछे हर जगह से, चारों तरफ से। और ये जो हमें डोम मिल गया, एक तरह के छतरी के ये डोम का ये बैठने की जगह है, ये मस्त बनाया हुआ गांव वालों की तरफ से, वो भी बोलते हैं एक तरह से कोइंसिडेंटली हमको बहुत अच्छी चीज मिल गई बैठने के लिए। सो अभी आराम से बैठेंगे और खाना तैयार है, कभी भी कर सकते हैं, लाइट का इशू है तो एक थोड़ा सा लाइट लगा के हम यहाँ भी बैठ के आराम से खाना खा लेंगे और उसके बाद सोने के लिए हम गाड़ी में सोएंगे। सो गाइस ये तैयार है हमारा खाना, बढ़िया सा एकदम कड़ी चावल और कुकुम्बर ककड़ी। ये है हमारी छोटी सी कैंप फायर, कोशिश हमने यही की है कि आजू बाजू का जो परिसर है वो साफ रहे ताकि ये आग बढ़े नहीं जितनी हमने लगाई है। और एक इसको हमने एक खड्डे में लगाया है ताकि उसको बाहर आने में भी मदद ना हो। तो दोस्तों कैंप फायर भी हो गया और एक तरह से एकदम परफेक्ट आप कह सकते हैं कैंपिंग हमारी कंप्लीट हो रही है एक तरह से। अभी कल सुबह का जो माहौल रहेगा, जो सनराइज देखने मिलेगा वो उसके इंतजार है एक तरह से। अभी हम सोने जाएंगे थोड़ी देर में।
एक फर्स्ट लर्निंग था हमारे लिए। और अगर इसकी बात, फर्स्ट लर्निंग की बात अगर मैं करूं तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कैंपिंग के बारे में। जैसे कैंप साइट ढूंढना, उसे एक्सप्लोर करना, उस वहाँ की चीज़ों को इंजॉय करना, इन सब चीज़ों में एक अपना ही मज़ा है। दूसरा, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करना, प्लस आप नेचर में जा रहे हो तो नेचर को आप कुछ नुकसान ना पहुंचाओ, ये देखना। जैसे भी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टीयर अवे अगेन। और ये है, अभी भी सूरज नहीं उगा है, इस साइड सूरज नहीं उगा है, लेकिन हमारी नींद खुल गई। ठंड हवा एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, और नज़ारे तो गाइस क्या ही बोलेंगे। देखो बादल आए हुए हैं पीछे, एकदम ठंड लग रही है अच्छी खासी। तो हमने एक्चुअली गाड़ी हमारी यहाँ पर थी रात को, सुबह सुबह थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहा। रात को नींद ठीक ठाक आई, फर्स्ट टाइम था गाड़ी में सोने का, तो थोड़ा ऑकवर्डनेस था, ये थोड़ा सा जमा नहीं जमा, लेकिन इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस आई कैन से। अभी चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ। सुबह के 5:30 हो चुके हैं, रात के बचे हुए बर्तन मिस्टर अभिषेक चौधरी धो रहे हैं, क्योंकि अब हमें बनानी है अर्ली मॉर्निंग टी। घर पे सुबह 5:30 आज तक जिंदगी में कभी बर्तन नहीं मांजे हुए इंसान। अब देखो बड़े शौक आए इनको कैंपिंग करने के। मॉर्निंग ब्लैक टी इज रेडी, सुबह सुबह ब्लैक टी पी जाए। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। ये देखिए हमने बारिश से बचने के लिए जो अरेंजमेंट किया है, और ब्रेकफास्ट में मिस्टर चौधरी बना रहे हैं मैगी, ये देख सकते हैं आप। टू मिनट मैगी बनने के लिए कम से कम 5 लेता है, ये रियलिटी है मैगी की। मैगी एनी टाइम बेस्ट आइटम। ये होगी हमारी मैगी तैयार, और टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट क्या करना है, मैगी का टेस्ट तो सबको ही पता होता है। Totally into the clouds. Now we are into the clouds. There is no visibility. Vehicles we can hardly see. My God. See. So guys, ho gaya sab pack. Thanks to Ashish. Ek helping hand rehna bahut zaruri hai guys. अकेले को करना है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ऑफ कोर्स, बाकी तो होना तो हो ही जाएगा चीजें। सो थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई, सब पैकिंग हो गया, आस पीछे सामान है सारा। आशीष एक बार दिखा दे। सो ये है सारा सामान पैक होके, और ये है हम। चलो भाई मारते हैं गाड़ी को स्टार्टर। तो
तो ये था गाइस मेरा पहला एक्सपीरियंस ओवरनाइट कैंपिंग का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जो भी इम्प्रूवमेंट सजेशंस आप दे सकें ऑलवेज़ वेलकम। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच।